हेलो गाइस, कैसे हो? सब तैयार? आज एक और नए वीडियो के साथ वापस। और यार फाइनली गाइस, जिस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, वो अब फाइनली आ चुका है। जी हाँ गाइस, साइंस फिक्शन मूवीज का पार्ट 7 आ चुका है। इससे पहले इसके पार्ट्स को अगर आपने अभी तक नहीं देखा और साइंस फिक्शन मूवीज के फैन हो तो उनको भी जाकर देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस फाइनली आज की इस वीडियो में आप सभी को साउथ की टॉप 5 साइंस फिक्शन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ। ये यार वीडियो बनाना काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि यार इंडिया के अंदर साइंस फिक्शन फिल्में बहुत ही कम बनती है और ऊपर से साउथ इंडिया में चले जाएं तो और भी कम हो जाती हैं और ऊपर से वो फिल्म हिंदी में डब हुई हो, ये चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे फिल्में आती रहती है और मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं साइंस फिक्शन मूवीज की लिस्ट। तो गाइस यार इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना यार, अभी से ही लाइक कर दो अगर आप सभी को साइंस फिक्शन मूवीज देखना पसंद है। और यार पीछे सभी पार्ट्स को आपने बहुत सारा प्यार दिया, इस पार्ट को भी आप ढेर सारा प्यार देना। तो आओ यार आप और ज्यादा देर ना करते हुए सीधा जानते हैं कौन कौन सी है वो पांचों फिल्में। तो आओ यार फिर स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, नंबर 5 पर 6.3 IMDb रेटिंग के साथ आती है बॉम्बर द पावर ऑफ टाइम, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक जबरदस्त साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी थी। बाकी अगर इस मूवी के बारे में, सो गाइस ये मूवी काफी जबरदस्त है। जी हां गाइस, इस फिल्म के अंदर आप सभी को जबरदस्त साइंस फिक्शन स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में आप सभी को बताऊं, सो गाइस फिल्म की स्टोरी लाइन बेस्ड होती है एक इंजीनियर के ऊपर, जो कि अपनी सिंपल सी लाइफ जी रहा होता है मस्त इंजीनियर करके। लेकिन फिर उसे पता चलता है एक जबरदस्त रिवेंज कहानी जो कि उसके बाप और पागल साइंटिस्ट के बीच में चल रही होती है। उसके सुनने के बाद उसे काफी कुछ उसकी लाइफ में बदलाव आता है। वो क्या क्या होता है वो आप सभी को इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी की कहानी आप सभी को सुनने में काफी सिंपल लग सकती है, लेकिन मैंने इतना शॉर्ट में आप सभी को बताया ताकि आप सभी का मजा खराब ना हो मूवी देखते समय। तो गाइस फिल्म काफी जबरदस्त है, इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर आप सभी को साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद है तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। फिल्म की रीटोल में आप सभी को शाही सुशांत के साथ चांदनी चौधरी, सिमरन चौधरी और मकरान देशपांडे के अलावा और भी कई सारे कलाकार देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस ये फिल्म आप सभी को बिल्कुल ही फ्री में YouTube पर देखने को मिल जाएगी, अल्ट्रा मूवीज पॉपुलर YouTube चैनल पर, जिसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप बड़ी आसानी के साथ इस फिल्म को फ्री में YouTube पर हिंदी में देख सकते हो। इसी के साथ नंबर 4 पर 6.8 IMDb रेटिंग के साथ आती है जोम्बी रेडी, जो कि 2021 में रिलीज हुई एक जबरदस्त एक्शन साइंस फिक्शन मूवी थी। इस मूवी को तो यार मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप बच गए हो ना तो आप सभी को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म के अंदर आप सभी को साइंस फिक्शन के साथ साथ बढ़िया जोम्बी वाला सीन देखने को मिलता है। अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में आप सभी को बेसिक बताऊं, तो गाइस इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है कि किस तरीके से एक गेम डेवलपर होता है, वो अपने दोस्त की शादी में गांव में जाता है। वहां जाने के बाद कुछ नॉर्मल सा नहीं लग रहा होता और उसके बाद जो ज़ॉम्बीज आना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है वो आप सभी को इस मूवी के अंदर देखना है। किस तरीके से एक पागल साइंटिस्ट की वजह से ये सारा बड़ा सीन क्रिएट होता है और उसके बाद कैसे सॉल्व होता है, वो सारी चीजें इस फिल्म के अंदर आप सभी को देखने को मिलती है। फिल्म काफी बढ़िया है, काफी मजेदार है, आप सभी को जबरदस्त ज़ॉम्बीज वाले सीन देखने को मिलते हैं इस मूवी के अंदर। तो भाई लोग, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो। ये फिल्म भी आप सभी को YouTube पर देखने को मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाकर एंजॉय करो इस मूवी को। तो भाई लोग, नंबर 3 पर 7.2 IMDb रेटिंग के साथ और स्पेशल वार्निंग के साथ आती है चुरुली, जो कि 2021 में रिलीज हुई एक जबरदस्त मिस्ट्री साइंस फिक्शन मूवी थी। बात की जाए अगर इस मूवी के बारे में, तो गाइस इस मूवी के बारे में बात करने से पहले आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं कि यार ये मूवी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। जी हां गाइस, अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनको कोई भी दिमाग उमाग नहीं लगाना है, सिर्फ मूवी देखना और एंटरटेन होना है, तो आप सभी को ये मूवी से दूर रहना। अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ा दिमाग लगा करके मूवीज देखना पसंद, दिमाग लगाना अच्छा लगता है, तो आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो, क्योंकि यार ये फिल्म आप सभी को नॉर्मल बंदों को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाली है। काफी डीप इस मूवी की स्टोरी लाइन है और जिसे देखकर यार काफी ज्यादा मजा आएगा अगर आप इस मूवी को समझ गए। अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में आप सभी को बताऊं तो गाइस वो 2-3 वर्ड में ही खत्म हो जाने वाली है अगर बेसिक में बताऊं। तो गाइस इस फिल्म की स्टोरी लाइन में देखने को मिलता है कि दो पुलिस वाले हैं जो कि चुरुली नाम के एक गांव में गए हैं, वहां से एक बंदे को पकड़ने के लिए जो कि अपराधी है, और वहां जाने के बाद उनके साथ क्या होता है वो सब आपको इस मूवी के अंदर देखना। ये फिल्म कोई भी कोई ज्यादा ऐसी उल्टी सीधी घुमा करके नहीं, काफी सिंपल सी मूवी है, लेकिन यार फिर भी काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आने वाली है। सो गाइस अगर आप सभी को जबरदस्त दिमाग लगाना है तो जाकर इस मूवी को लगाना, काफी जबरदस्त मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो गाइस सोनी लिप पर बहुत ही मस्त हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी, जाकर देख सकते हो, काफी जबरदस्त मूवी है, मिस तो बिल्कुल भी मत करना। और जिन लोगों ने देख लिया तो यार नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि गाइस ये फिल्म आप सभी को पहली बार में समझ में आई थी या नहीं। इसी के साथ नंबर 3 पर 7.3 IMDb रेटिंग के साथ आती है रोड साइड हीरो चेतन, जो कि 2019 में रिलीज हुई एक जबरदस्त साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी थी।
बात की जाकर इस मूवी के बारे में, सो गाइस ये मूवी जो है काफी जबरदस्त है। और इस मूवी को लेकर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गाइस ये मूवी जो है वो पूरी की पूरी आईफोन से शूट हुई है। जी हाँ गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में आप सभी को बताऊं तो गाइस फिल्म की स्टोरी लाइन बेस्ड होती है एक बंदे के ऊपर जिसे एक फोन मिलता है। वो काफी मिस्टीरियस फोन होता है और उससे मिलने के बाद जब वो उस फोन के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके सामने काफी सारी चीजें होती है। वो क्या क्या होता है वो आप सभी को इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी काफी बढ़िया है। अगर आप सभी को साइंस फिक्शन मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। काफी बढ़िया स्टोरी लाइन आप सभी को इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है। फिल्म काफी बढ़िया है और इस मूवी को लेकर एक अच्छी बात ये भी है कि गाइस ये फिल्म यूट्यूब पर बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल है। जो लोग भी देखना चाहते हो आसानी से इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी में देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि गाइस ये वाली बात आप सभी को फील हुई कहीं पर मूवी देखते समय कि ये फिल्म जो है वो आईफोन से शूट हुई है। तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई लोग नंबर वन पर सीधा 8.1 IMDb रेटिंग के साथ आती है मिन्नल मुरली, जो कि 2021 में रिलीज हुई एक जबरदस्त साइंस फिक्शन सुपर हीरो मूवी थी। इस मूवी की तारीफ तो मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में की है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो आप सभी को बता दूं कि गाइस ये एक जबरदस्त सुपर हीरो मूवी है। जी हाँ गाइस, अगर आप सभी को सुपर हीरो मूवीज देखना पसंद है तो आप सभी को ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यार इस फिल्म के अंदर आप सभी को जो एक देसी लुक, जो एक देसी सुपर हीरो देखने को मिलता है और जो कहानी ओवरऑल दिखाई गई है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। जी हाँ गाइस, इस मूवी को देखते हुए काफी रियलिस्टिक सी फील होती है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा VFX वगैरह डाल करके कोई भी ऐसा खींचा खांची नहीं की गई है। एकदम बढ़िया से ये मूवी एकदम सिंपली सुपर हीरो मूवी है। आप सभी को देखकर मजा आएगा इस मूवी को। फिल्म की अगर स्टोरी लाइन के बारे में आप सभी को बताऊं तो गाइस फिल्म की स्टोरी लाइन बेस्ड होती है एक दर्जी के ऊपर जिसके ऊपर बिजली गिर जाती है। वहीं दूसरी ओर एक और बंदा होता है जिसके ऊपर वही सीन होता है। दोनों को पावर मिलती है, लेकिन दोनों किस तरीके से अपनी सिचुएशन के हिसाब से कोई अच्छा बनता है कौन बुरा बनता है और आगे क्या होता है वो आप सभी को इस मूवी के अंदर काफी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। सो गाइस ये फिल्म काफी जबरदस्त है। इस फिल्म के लीड रोल में आप सभी को टेनिबो थॉमस देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है। तो जिन लोगों ने देख लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस फिल्म के अंदर आप सभी को बेस्ट चीज क्या लगी थी। और यार जिन लोगों ने नहीं देखा है जाओ यार ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएगी। आराम से इस मूवी को फिनिश कर डालो, आप सभी को मजा आएगा इस मूवी को देखते वक्त। तो भाई लोग यही था साइंस फिक्शन मूवीज का पार्ट 7। आप सभी को कैसा लगा? आपने इनमें से कौन कौन सी फिल्म पहले से देख रखी है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और आप सभी को इन फिल्में पसंद आती हैं तो आप हमारे पिछले पार्ट्स को भी चेक कर सकते हो। उनमें भी मैंने आप सभी को कई सारी साइंस फिक्शन फिल्में बताई है जहां पर जाकर आप देख सकते हो। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यार गाइस इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप चैनल पर कहीं से भी इधर उधर से आ गए हो, नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं मेरे चैनल पर लेके आता रहता हूं। और यार गाइस जल्दी प्लान करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। जैसे जैसे फिल्में रिलीज होंगी आप सभी के सामने इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आया जाएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।